तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग सी पैनल से सी डब्ल्यू पी में कैसे माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करना तो आसान है। सेम सर्वर को अगर सी पैनल है उसको सी डब्ल्यू पी में कन्वर्ट करना है। अभी मेरे पास आप देख रहे होंगे कि इस टैब में ये एक सर्वर है जो मैंने कॉन्टोबो से परचेस किया हुआ है, वीपीएस है, और इस पर मैंने एक स्नैपशॉट बनाया हुआ है। स्नैपशॉट एक फीचर होता है, ऐसे वीपीएस ही खरीदे जहाँ स्नैपशॉट होता है, जहाँ से मैं कि एक पर्टिकुलर डेट के बैकअप को रिवर्ट बैक कर सकूँ। स्नैपशॉट एक ऐसा तरीका होता है कि सारी सेटिंग सब कुछ वैसा का वैसा रिवर्ट हो जाएगा, और ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये इस वाले आईपी पे, जिस आईपी पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, इस पर ऑलरेडी मैंने सीडब्ल्यूपी इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन अभी क्या करना है मुझे कि इसको मैं आपको दिखाऊंगा वापस डब्ल्यूएचएम इंस्टॉल करने के बाद कैसे सीडब्ल्यूपी में इसको माइग्रेट करते हैं। आपकी एग्जिस्टिंग साइट्स और अगर हैं उसमें तो वो बैकअप करना होगा आपको सी पैनल से इंडिविजुअली सारे अकाउंट्स में जा करके। तो जब तक मैं आपको ये रोल बैक स्टार्ट कर देता हूँ, और उसके बाद ये थोड़ी कुछ सेकंड्स में ही हो जाएगा, तो आपको इनके सारे अकाउंट्स में जा करके और सी पैनल में जाके इनका बैकअप करना है पूरा का पूरा होम डायरेक्टरी को। मैं आपको अभी दिखा दूंगा। इस आईपी पे अभी आप सी डब्ल्यू पी एडमिन खुलता देख रहे हैं। अभी जैसे ये स्नैपशॉट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारे पास हो चुका है ये। तो यहाँ देखेंगे तो WHM आ जाएगा। तो ये आखिर के कुछ लाइसेंस के दिन है, तो मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बना दूँ इस पे। ओके। ओके, कुछ यूआरएल में प्रॉब्लम था। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि WHM मेरा लाइव हो गया है, और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हैविंग गुड सर्वर। तो अच्छे सर्वर में ये फैसिलिटी होती है स्नैपशॉट की। तो अब मैंने वल्चर से लिया है सर्वर, तो वल्चर वाले में तो एक से ज़्यादा स्नैपशॉट का है। इसमें एक ही स्नैपशॉट होता है कॉन्टाबो में, हालांकि दोनों ही अच्छे। कॉन्टाबो ज़्यादा अच्छा आपको कन्फिग्रेशन देगा, और वल्चर ऑन द गो वाला ज़्यादा फैसिलिटी देगा कि आप कभी भी कहीं का भी डिप्लॉय कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो कॉन्टाबो में आपको डिप्लॉय करने के लिए पहले मैं आपको दिखा दूं कि कैसे अब इसको मूव करना है। अब मैं WHM में लॉगिन करूंगा, तो मेरे को ये सी पैनल लाइसेंस्ड सर्वर है, ठीक है। तो पिछले कुछ महीनों से या साल हो गए होंगे मैं इसमें सी पैनल चला रहा हूँ। तो अभी हाल में सी पैनल वालों ने अपना प्राइस बढ़ा दिया है $30 सिर्फ। अब देखो पुराने डेट में आ गया तो ये अपडेट भी मांग रहा, तो $30 पर मंथ कर दिया इन्होंने, जो कि बहुत मुश्किल है। और अकाउंट के हिसाब से कर दिया, पहले ऐसा नहीं था। अकाउंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर प्राइस दो, और आपकी लाइसेंस एन नंबर ऑफ साइट्स आप होस्ट करो। एक्सक्यूज मी। अब इन्होंने पर अकाउंट चार्ज करते हैं, तो 0 से 5 तक आपको $20 होता है, 5 से 10 तक से $30 पर मंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके हाफ में आपको सर्वर मिलता है, तो आप अगर टेक्निकली साउंड हो और ओपन सोर्स CWP, CWP का फुल फॉर्म ही होता है सेंटोएस वेब पैनल। तो ये सेंटोएस वालों ने ही बनाया, ये ओपन सोर्स है, तो आप इसमें ये यूज़ कर सकते हो। एक अच्छी बात सी पैनल की ये थी कि इसमें मुझे लाइसेंस मिलता था, SSL मिलता था हर साइट के लिए, जिसका मैं आगे से चार्ज भी कर सकता हूँ, और वो मेरे को उसके लिए एडिशनल पे नहीं करना पड़ता था सिवाय इसके। तो आप एन नंबर ऑफ साइट होस्ट करो और SSL साइन करते जाएंगे, वो सी पैनल से साइन हो गया आएगा। बट CWP में आपको SSL साइन करने के लिए कोई थर्ड पार्टी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि क्लाउड फेयर। और मैं अभी लेट्स इनक्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ये फ्री है और ये इनबिल्ट है इसमें, वो मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। तो अब ये दूसरा वाला सर्वर है जो आप इसका वाला देख रहे हैं, वल्चर का। चलो मैं अब इस वाले सर्वर को मैं इस विंडो में ले के आता हूँ, और मेरे को इसमें बहुत सारे अकाउंट हैं, हालांकि सारे के सारे मैंने मूव कर लिए हैं इनमें। एक एक अकाउंट का मैं दिखाऊंगा कि कैसे लेते हैं बैकअप, ठीक है। तो वो .in डोमेन नहीं लूँगा, .com डोमेन लूँगा। उसका DNS प्रोपोगेशन आसान और इजी होता है, तो चलो मैं हरकुलस टेक .in डोमेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये गूगल्स
एज रजिस्ट्रार से होस्टेड है, तो मैं गूगल बिजनेस, सॉरी गूगल डोमेन देखूं एक बार। तो वो भी आपको पैनल दिखा दूंगा। चलो अब ये इसके सी पैनल में जाके हम लोग बैकअप कर लेंगे। बैकअप विजार्ड में जाएंगे, बेसिकली ये होम डायरेक्टरी को जिप करके और वो टार करके इसके जिप करके आपको दे देगा। डाउनलोड फुल बैकअप, वो भी बैकअप बना देगा। होम डायरेक्टरी का बैकअप बनाना है, ये बैकअप बना देगा। हालांकि दो तीन बार मैंने बनाया कल परसों भी। तो आप पीछे देख सकते हो, हाँ ये इन प्रोग्रेस है, तो ये थोड़ी देर में बैकअप बन जाएगा। उस टाइम तक आप देख लें। उसके बाद यहाँ पे एक लिंक बन के आएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा इसको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं जिस जिस डोमेन का ये अकाउंट है उस अकाउंट से लॉगिन करता हूँ गूगल डोमेन में। मैं इन चीज़ों को भी ब्लर कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। मैं अपने डोमेन के अलावा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। हरकुलस टेक डॉट इन पे मैं ये सब कर रहा हूँ। यहाँ हमारी कंपनी है हरकुलस टेक्नोलॉजीज। इसमें DNS में जाएंगे और फिर यहाँ पे नेम सर्वर हमने चेंज कर रखा है डॉट इन डोमेन, इसलिए टाइम लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। और होस्ट भी रजिस्टर कर रखा है। ये दोनों चीज़ें करनी होती हैं किसी भी डोमेन को सर्वर से जुड़ने के लिए। नंबर वन होस्ट आपको डालना होता है। अब यहाँ पे लोग इस सर्वर वन सर्वर टू डाल देते हैं। अब अलग अलग आर्किटेक्चर है। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से इसको वेब सर्वर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ वेबसाइट होस्टिंग का काम है। मेरी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है तो मेरा काम चल जाता है इसमें। ऐसे अब ओला उबर होते तो उनको 10 से ज़्यादा 10-15 सर्वर स्कैटर करके DNS के लिए अलग, कैशिंग के लिए अलग, ऐसा उनका सिस्टम आर्किटेक्चर होता है। तो उनको उतने सारे सर्वर का कॉस्ट पड़ता है और वो लोग अच्छे सर और अच्छे सर्विस ब्रांडेड आई मीन सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं, जैसे अमेजन वेब सर्विसेज AWS बोलते हैं उसको। और फिर ठीक है, अब ये इसको एक बार रिफ्रेश कर दो तो अभी का स्टेट पता चल जाएगा। PHP है सॉरी, तो ये रियल टाइम नहीं होता है। मतलब देखो आ गया। अब इसको डाउनलोड कर लेंगे अपन, इस पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड शुरू हो जाएगा। मेरे को करना नहीं है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ बस। डाउनलोड वंस हो गया हो उसके बाद इन इसको हमने डंप करना है। तो एक आर्टिकल है, सेंटोस वालों ने ही लिखा हुआ है। क्या नाम है, cPanel2 सेंटोस कन्वर्ट। तो अभी मेरे को पुट्टी चाहिए होगा। आपको पता है पुट्टी से आप करते होगे वैसे, ये मेरे लिए ज़्यादा आसान है, अच्छा है। और दो अकाउंट के लिए शायद फ्री है, लिमिटेड यूजर्स के लिए फ्री है। मैं डिटेल में नहीं गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड करके मैक्रो चला सकते हो वगैरह वगैरह। तो अब ये cPanel टू CentOS कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। बहुत सारे लोग एक ही फोरम एक ही आर्टिकल को छाप छाप के ऊपर आ चुके हैं। अच्छा SEO करना यही है शायद। बहुत सारा बहुत प्रॉब्लम हुआ है लोगों को और बहुत प्रॉब्लम होगा, मतलब जो मतलब सर्वर मैनेजमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारा लोड है। और मेरे पास तो इतने सारे साइट्स हैं तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उनको बंद करना, इसलिए मैंने दूसरा सर्वर लेके पहले उनको मूव कर लिया। तो इसको और आपको दिखाने के लिए मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, इस वाले पुराने वाले सर्वर के साथ। मैं वापस मूव करूँगा इसको कॉन्टाबो में, क्योंकि कॉन्टाबो मेरे को 8 GB रैम देता है और वल्चर मेरे को 1 GB रैम देता है। और ये $10 पर मंथ है कॉन्टाबो, यूरोस कुछ है पर 4.9 यूरोस पर मंथ है, 5 यूरो पर मंथ है।
अब अपन चलते हैं इसे कन्वर्ट वाला, वो आर्टिकल नहीं खुला तो मैं आपको इधर शायद इसमें था सी पैनल टू सी डब्ल्यू पी कन्वर्ट, हाँ यही है तीसरा, ये आर्टिकल है, इसी को छापा इन्होंने। अब इसको मैं भी छाप के वैसे एक अच्छा आर्टिकल या इस वीडियो से रिलेटेड एक बैक लिंक अपने साइट पे डालने वाला हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। इससे आपको भी फायदा होगा कि कल को अगर आप वीडियो साल भर बाद देखते हो तो इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगा तो मैं इसी आर्टिकल में पोस्ट करूँगा। वीडियो में तो मैं घुस के एडिट कर नहीं सकता हूँ ना, तो यूट्यूब आपको डिलीट करने का मौका देता नहीं और उस करने से आपकी सारी चीज़ें नुकसान हो जाती है। बस यही चार पांच कमांड है, इन्होंने स्क्रिप्ट बना रखा है, हमें डाउनलोड करके सर्वर में कनेक्ट करके चलाना है। तो ये मेरा पुराना सर्वर है 200 कुछ आईपी वाला, तो मैं पूरी आईपी तो बैन कर दूंगा, थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा, मुझे इतना भरोसा है और इतनी मेरी सिक्योरिटी है। देखिए 342 फेल्ड लॉगिन, दो फेल्ड अटेम्प्ट के बाद आप बैन हो जाओगे परमानेंटली। तो ये पुराना वाला CSF सेटिंग है और नए वाले CWP में मैं बताऊंगा कि ये CSF सेटिंग कैसे करते हैं। CWP को आई वुड सजेस्ट कि आप पे कर दें। अभी मैं इन कमांड्स को कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा, मैं एक एक करके आपका टाइम नहीं खाऊंगा, हो सकता है तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा। अब मैं कन्वर्जन स्टार्ट कर दूँ, आप पढ़ लेना, ये पूरा आर्टिकल है, इसमें आपको ये चार स्क्रिप्ट डाउनलोड करने हैं, ठीक है, चार स्क्रिप्ट डाउनलोड करने हैं। ये सी पैनल सेंटोएस कम्युनिटी ने लिखा है, वेरी वेरी थैंक्स टू सेंटोएस कम्युनिटी फॉर दिस। ठीक है, और अब हम स्क्रिप्ट चला देंगे। आई होप दोनों मेरे स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होंगी, कि ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है वीडियो बनाने का। हाँ हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब हमें cPanel अनइंस्टॉल करना है, तो कैसे करेंगे, वेरी इजी, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर दे एंड वॉच द मैजिक हैपन, दे हैव डन द ऑल द हेवी लिफ्टिंग फॉर यू, थैंक्स टू ओपन सोर्स कम्युनिटी। अन इंस्टॉल कर रहे हैं अभी अपन cPanel, उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे। एक छोटी सी बात है कि ये से अच्छा है ये डालना, ये डालोगे तो PHP और ये सारी यूटिलिटीज आ जाएंगी पहले से, तो एक बार ये डाल देंगे अपन। वापस साइट लाइव करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो एक ट्रिक है, अब वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे और करके भी दिखा दूंगा कि जब तक ये cPanel अनइंस्टॉल हो रहा है आपके SSL मैच की वजह से प्रॉब्लम होती है। एक मैं एक वेबसाइट के ऊपर पागल होता रहा, मैंने कुकीज ही नहीं क्लियर किया था, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, चेक कर लेना। SSL मैच पे भी प्रॉब्लम होता है, SSL सही से इंस्टॉल नहीं हुआ, क्योंकि cPanel में चीज़ें नूब लेवल हैं, आपको दिमाग में रख के बनाया गया है कि आपको कुछ भी नहीं आता है या बहुत ज़्यादा नहीं आता है लिनक्स सर्वर पे, और जैसे कि मैं हूँ तो ज़्यादा नहीं आता। और CWP ओपन सोर्स है चूंकि, तो इसमें बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व शायद नहीं किया गया और बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, और उसका मैं अभी तब तक आपको डेमो दिखाता हूँ जब तक ये रिमूव हो गया है फिर नए वाले सर्वर का, और मैं देखता हूँ कि रिक्वायर्ड इससे कैसे ब्लर हो पाएंगे, ज़्यादा डिटेल में देना नहीं चाहता हूँ। इसमें मेरे पास 22 अकाउंट्स हैं, तो आप ये तो देख सकते हैं, 1 GB का इसका वो है रैम वाला सर्वर है। अब इतने सारे लोगों के अकाउंट्स हैं कि इनके साइट्स में बंद नहीं करना अफोर्ड कर सकता हूँ एक भी दिन के लिए, इसलिए मेरे को इंस्टेंटली उसमें से सारा जो टार जॉट GZ पैकेज था उसमें इसमें ला करके CWP अकाउंट माइग्रेशन में जाना था, और
यहाँ पे मेरे पास जितने भी टार हैं वो लिस्ट हो जाएंगे। ये वो वाले टार हैं जो आपको होम फोल्डर में, साइट के होम फोल्डर में अपलोड करने हैं। कैसे होगा अपलोड, मैं आता हूँ उस पर। तो मान लो कि मेरे पास ठीक है, इतने सारे वो सर्वर के टार डॉट जी जेड फाइल है, ठीक है। तो इनको मेरे को इसमें अपलोड करना था, तो सिंपल सी डब्ल्यू एच एम में तो फाइल मैनेजर नहीं होता, आपको सी पैनल में जाके फाइल मैनेजर करना पड़ता है। तो इंडिविजुअली अकाउंट में जाके आपको अपलोड करना पड़ता अगर वाइस वर्सा जा रहे होते तो, मतलब सी डब्ल्यू पी से सी पैनल में जा रहे होते तो अगर सी पैनल से सी डब्ल्यू पी में आ रहे हो तो आपको इंडिविजुअली अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है इन सी पैनल, मतलब अकाउंट में जाके आप एक मस्त फाइल मैनेजर देते हैं ये लोग, तो ये बहुत कूल है और बहुत अच्छा भी है। मतलब हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम है कि इससे अपलोड आपको दिखाएगा कि अपलोड हो रहा है, अपलोड होता नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि मोजिला यूज़ करें, मोजिला में ऐसा नहीं होता, और मेरे साथ इसमें क्रोम में हमेशा ही होता है। तो मैं यहाँ से नहीं, ये रहा आपका होम फोल्डर, होम फोल्डर होगा यहाँ, यहाँ पे ये नए वाले के इतने सारे अकाउंट हैं, ठीक है। और इसी में नीचे ये सारे फाइल्स हैं जो आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी में आपको ऐसा सेलेक्ट कर लेना है, अर्कुलिस्टिक डॉट इन पैकेज डिफॉल्ट जो भी आपने सर्वर में सेट कर रखा है। तो मैं दिखाऊंगा अभी कि वन सी डब्ल्यू पी इंस्टॉल हो जाता है एक प्रेसेंट सर्वर पे, तो आपको क्या क्या करना चाहिए इसके, और कर लेना चाहिए मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस। और ये करके मैं इंपोर्ट कर दूंगा, मेक श्योर कि ये अकाउंट पहले से एग्जिस्ट नहीं करता हो, इस नाम का कोई फोल्डर पहले से नहीं हो, तो वो एक प्रॉब्लम आएगा इस पे डिलीट करने का। तो दिखाता हूँ, चलो मैं अब उम्मीद है ये हो गया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है लेकिन ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता देना कि नहीं अच्छा लगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, डिलीट हो जाने के बाद तब तक मैं, जब तक ये हो रहा है मैं इसको इस वाले स्क्रीन में ले जाता हूँ, जब तक ये हो रहा है मैं आपको ये दिखा देता हूँ क्या क्या दिखाना, हाँ क्या क्या आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। वन सी पैनल इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको वेब सर्वर सेटिंग पीएचपी अपना वो सेलेक्ट कर लेना, वर्जन वेब सर्वर क्या होगा। पहला तो अपाचे बाय डिफॉल्ट ये कर देता है, वरना किसी किसी को ये भी ज़रूरत होता है, किसी किसी को ये भी ज़रूरत होता है। हो गया, अभी मैं इसमें वापस दूसरा वाला चला देता हूँ। तो इसके साथ पीएचपी भी डाला है तो ये बहुत टाइम लगाएगा, तो मैं यहाँ पे ये वीडियो पॉज कर दूंगा और जब ये हो जाएगा तो वहाँ से रिज्यूम कर दूंगा। तब तक ये देखते हैं अपन कि क्या क्या करना है, ये भी अच्छी बात है। वेब सर्वर सिलेक्ट कर लो यहाँ से, अपाचे या एनजेक्स से, वार्निक्स से, वार्निक्स मैं ज़्यादा नहीं जानता वार्निक्स के बारे में, एनजिंक्स के बारे में भी, अब ये सब गूगल कर लेना, मैं जितना जानता हूँ तो बहुत कम है। उसके बाद आपको वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस में देखते जाओ, एक बार नज़र मारते जाना सारे सभी चीज़ों में। पीएचपी एफपीएम की ज़रूरत नहीं पड़े तो अच्छा है, बहुत सारे हैक्स आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, बहुत एक्सप्लॉइट मैंने देखा है ट्विटर पे मेरे, अगर हरकुलस टेक को आप फॉलो करते होगे तो देखा होगा आपने कि पीएचपी एफपीएम में ये हो गया वो हो गया, और उसकी वजह से बड़े बड़े वेबसाइट्स की सर्वर लोग रूट लेवल एक्सेस ले लेते हैं,
प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए खासकर। और मेरे साथ पास्ट में हो चुका है ऐसा कि वेबसाइट्स हैक हो गई हैं, जो कि वर्डप्रेस वेबसाइट हैं। बहुत दिनों तक अनअटेंडेड छुट्टी रहती हैं, क्योंकि वो बस डिस्प्ले पर्पस के लिए किसी कंपनी की वेबसाइट है या कुछ है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देने से अब उसकी प्लगइन्स अपडेट करते रहो, किसी प्लगइन्स में एक्सप्लॉइट हो गया हो ये सब। उसके बाद फिर SSHD अटैक होता है, IPv6 अटैक होता है, ये सब लगे रहते हैं लोग। और ये आपको मेक श्योर करना है कि CSF होना चाहिए इसमें, कॉन्फिग सिक्योरिटी फायरवॉल। तो इसमें CSF के नाम से होता है, उसमें पूरा नाम होता है डिटेल। तो फायरवॉल सेटिंग्स में जा करके आपको इनेबल डिसेबल करने का बड़ा आसान बटन बना रखा है इन्होंने। ये इंडिविजुअल बटन दबते ही आपका काम हो जाएगा, और अगर आप प्रो होते तो ये जो बटन दब के जो एक्शन हो रहा है वो आप यहाँ लिख के कर लेते, है ना। तो यही मज़ा है लिनक्स का। एन नंबर ऑफ कनेक्शन साइमल्टेनियसली सपोर्टेड, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जैसे मर्जी खेलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी आप देख लो, यहाँ पे वाइट लिस्ट हैं, ये मेरे कुछ IPs हैं जो वाइट लिस्ट हुए हैं। और अच्छा, ये अपग्रेड लास्ट लास्ट वाइट लिस्ट है जो मेरा अपग्रेड सेटिंग है। अपग्रेड से मतलब कि मैंने CWP प्रो ले रखा है, मैं उसको $30 दे रहा था, तो मैं कम से कम चाहूँगा कि $1 देते हैं इनको, $1.45 एज डोनेशन, और ये यहाँ से हटा देते हैं बटन और कुछ एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं। तो फायरवॉल सेटिंग्स में अगर मैं जाऊँ तो मैनेजर, हाँ मैं बोल रहा था फाइल अपलोड करते हैं यहाँ पे कैसे, तो आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो, ये फाइल मैनेजर है। ये फाइल मैनेजर है, सॉरी, ये फाइल मैनेजर है, यहाँ पे आप अपलोड बटन दबाओ और वो काम नहीं करेगा कभी कभी। मैं क्या करता हूँ कि आप पुट्टी यूज़ करते हो तो ये फीचर नहीं मिलेगा आपको, सॉरी, आपको यहीं पे अपलोड का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना जो भी बैकअप पैकेज है वो अपलोड कर दो, अपलोड करके CWP में वापस आओ, और यहाँ पे आपको रीस्टोर का ऑप्शन, वो तो मैंने बता ही दिया। अब मैं फायरवॉल की सेटिंग्स बता रहा हूँ। हाँ, CSF फायरवॉल में एक एक दो चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग है। फायरवॉल भूल गया कहीं, यहीं कहीं पे। और ये कुछ रिक्वायर्ड है, ये बेसिकली रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है फायरवॉल्स के, जो कि ऑन ऑफ हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग उन रूल्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमेशा ही, और वो रूल्स अपडेट हो रहे हैं अपने अपने अटैक के हिसाब से। तो फायरवॉल अब खुद भी ये चेंज कर सकते हो इनका, अगर आप CSF इंस्टॉल कर रहे थे WHM में, तो बहुत अच्छा पैनल बना के दिया था उन्होंने टॉगल करने का ऑन ऑफ। अब ऐसे टेक्स्ट फाइल में आपको वो मिल जाएगा। अच्छा, अपडेट हो गया, तो आपको दिख जाएगा यहीं पे। चलो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ, उसी में समझ में आ जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन में मेरे को ये टेक्स्ट फाइल एडिट करना है, ठीक है। तो क्या क्या पोर्ट में SSH ब्लॉक करना चाहता हूँ, 22 पोर्ट से। तो जैसे ये काम चल रहा है अभी, ये काम नहीं होगा, ये ज़्यादातर अटैक यहीं के होते हैं, डिक्शनरी वाले और दबा के होते हैं। तो मतलब आपने अगर छोड़ दिया अपने सर्वर ऐसे ले करके कहीं पे, तो लोग बहुत गलत इस्तेमाल करेंगे। और वर्डप्रेस में पूरी तरीके से प्लान प्लगइन होती हैं, जो कि आप यूज़ करोगे तो वो साइलेंट बैठे रहेंगे, और एक दिन ट्रिगर हो जाएगा, और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा करके आपके सर्वर को यूज़ करेंगे दूसरे को ईमेल भेजने के लिए, स्पैम ईमेल्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से या फलाना की ढिमका की तरफ से। तो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब बढ़ गए, तो मैं उन सब इंसिडेंट्स को डिस्क्लोज करूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है वो कॉन्वर्सेशन भी।
और वो मैं बताऊंगा कि कैसे अपने साइट को गूगल हैक से हटाते हैं, और किसी की साइट पे मतलब कोई वेबसाइट हैक हो गई हो तो गूगल में वो हमेशा ही बन के आ जाता है कि दिस वेबसाइट इज डेंजरस, तो वो ऐसा नहीं हो आपके साथ। और क्या क्या आप SSL बहुत ज़रूरी है वेबसाइट्स के लिए, वो फ्री में कैसे लें, लेट्स इनक्रिप्ट यूज़ करें, CWP में बाई डिफ़ॉल्ट है, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अलग से। अगर लगाना चाहते हैं तो क्लाउड फेयर यूज़ करें, फ्री है वो भी, वहाँ भी फ्री होता है। अगर आपका वेबसाइट डाउन है तो वो एक कैश कॉपी आगे दिखाएगा भी वेब सर्वर मतलब अपने यूज़र्स को। तो अगर आप उन बिजनेसेस की वेबसाइट्स होस्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेब सर्विसेज हैं और कुछ ऐसी प्रायोरिटी वाले, तो और वो उस तरीके के चार्जेस भी होते हैं उस तरीके मतलब फॉर नॉर्मल यूज़र्स कि उस तरीके के सर्वर्स के लिए चार्जेस भी होते हैं। तो आपको 10,000 और 15,000 वाली वेबसाइट में यही सर्वर मिलेगा और CWP ही मिलेगा। तो हमारा वेबसाइट का काम मिनिमम 15,000 से शुरू हो जाता है। हमारे वेबसाइट पर जाइए, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे आप बंद कर सकते हैं। क्या क्या बंद करना है, SMTP पोर्ट, और कितने परमानेंट ब्लॉक करना है कि टेम्पररी ब्लॉक करना है, और वो सारे रूल्स हैं इसके अंदर, वो डिटेल में, और आपको कहीं ना कहीं ब्लॉग से मिल ही जाएगा। मेरा ये कहना है कि इनसे समझ आता है तो ठीक है, वरना एक एक चीज़ को उठाओ और गूगल कर लो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और समझ आ ही जाएगा मोटा मोटी, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ बैकअप बनाने का भी दिया हुआ है, ये भी CWP भी अपग्रेड होता रहा है, और CentOS 8 आ रहा है, वो 6 और 7 में CWP इंस्टॉल करने के तरीके डिफरेंट है, वो मेक श्योर कि अपना अपना देख लेना, 6 यूज़ कर रहा हो, 7 यूज़ कर रहा हो, और 8 अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन ये वल्चर वाले 8 दे रहे हैं। तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो मैं ये बता देता हूँ इसमें कि कैसे वल्चर पे, अब देखो वेब सर्वर लेने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी आइडेंटिटी कंफर्म होनी चाहिए। कोई भी आदमी मुंह उठा के वेब सर्वर नहीं ले सकता है कायदे से, अच्छे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से। अब इन मोशन और बहुत सारे देखा होगा आपने, बहुत सारे हैं, आप भी अपनी शुरू कर सकते हो, VPS ले लो, आप अपना होस्टिंग शुरू कर दो, अगर इंडिविजुअल वेबसाइट होस्टिंग है ऐसे तो, या आप बहुत सारे तरीके हैं। पॉइंट ये है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट पासपोर्ट देना होता है इन होस्टिंग सर्वर प्रोवाइडर को, ज़रूरी नहीं है पासपोर्ट, आपको ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, यही दोनों डॉक्यूमेंट में से कोई एक देना होता है, नहीं है तो वो नहीं देंगे, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चलता है। और वल्चर पता नहीं कहाँ की है, कोंटाबो तो जर्मनी की है, उन्होंने पासपोर्ट लिया था, मेरा सिग्नेचर वेरीफाई कराया था, मुझसे स्कैन कॉपी मंगवाया था, और तब मेरा सर्वर उन्होंने एक्सेस दिया था। कोंटाबो बहुत अच्छा है, काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, और मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। तो वल्चर ऑन द गो लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप मतलब तुरंत तुरंत सर्वर बना के डिस्ट्रॉय कर रहे हो यार। लेकिन देखो दोनों केस में आपको रिपोर्ट किया जा सकता है, और रिपोर्ट करे गए अगर तो आपकी वेबसाइट कितना भी अच्छा बना लो, वो अच्छे अच्छे सर्च इंजन में आपको फ्लैग कर दिया जाएगा, अच्छे ब्राउजर्स में आपको फ्लैग कर दिया जाएगा, तो लोग कहीं से आप तक पहुंचेंगे ही नहीं, वैसे ही आपका रेपुटेशन ख़राब रहेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग SEO मतलब डिजिटल ब्रांडिंग तो भूल जाओ उसके बाद। तो बहुत ज़रूरी है कि रेपुटेशन बना के रखें, रेपुटेशन के लिए हमारी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी के लिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके सर्वर पे जो फायरवॉल है वो बहुत बहुत सही से कन्फिगर्ड है, मतलब मैंने तो दो दो ब्लॉक पे परमानेंट बैन कर रखा है, और इसमें मैं समय दूंगा क्योंकि अभी मैं मूव करा ही है जस्ट हाल में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधूरी हैं हालांकि मोटा मोटी, इसलिए मैंने CWP प्रो लेने का फैसला लिया, क्योंकि इसमें जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ये मेरे को सेट नहीं करना पड़ेगा, और भी चीज़ें हैं इसके फ़ायदे हैं अलग अलग मॉड्यूल्स में, ईमेल वगैरह आप देख लो इसमें भी वैसे ही बनता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है SSL जनरेटर, तो SSL सर्टिफिकेट्स ये मेरे फंक्शनिंग ऑलरेडी फंक्शनिंग VPS है जिसमें बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो जो SSL
हर वेबसाइट के लिए आपको इंडिविजुअल बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर वेबसाइट के लिए इंडिविजुअल, कभी आप ये मत कर देना ऑटो SSL यहाँ लिखा है, फिर यहाँ क्लिक करके और ये चेक कर देना सब में। ये करने से एक ही साइट का सब में SSL बन जाता है, तो वो दिक्कत हो जाती है। मतलब आपको यहाँ पे एक एक अकाउंट सेलेक्ट करना है और उसकी जितने भी डोमेन है, या सब डोमेन है, ऑल डोमेन है, या जैसे मान लो herculestech.in ऑलरेडी मूव हो चुका था, हालांकि फिर भी मैं इसमें दिखाता हूँ। अच्छा, ये कोई डोमेन है। और ये सारा जो ये सारा जो डोमेन है, इनका जो SSL है, ये लेट्स इनक्रिप्ट बोल के एक सबसे पहली स्टार्टअप थी जो कि फ्री SSL देती है। थिंग इज 90 डेज में एक्सपायर हो जाएगा, और अगर आप पे करे होते तो 100, मतलब 1 साल चलता है, 6 महीने चलता है, ऐसा कुछ। तो 90 डेज में एक्सपायर हो जाएगा, तो आप यहाँ आके फिर रिन्यू कर लेना। 90 डेज में लॉग इन ही तो करना है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा, और क्लाउड फेयर से यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। मैं मुझे पसंद नहीं है क्लाउड फेयर, पर्सनल रीजन, और थोड़ा सर्वर में भी प्रॉब्लम होता है उसके वजह से, DNS अटैक वगैरह। मेरे को आइडिया नहीं है और मैं घुसना नहीं चाहता हूँ उसमें, अभी तक काम चल रहा है अपना सही से। तो जितनी ज़रूरत है उतना सही से चल रहा है। सी पैनल से मेरे को पीछा छुड़ाना था, तो मैंने पीछा छुड़ा लिया है। अब चलो वो हो गया। हाँ, अब जैसे सी पैनल इंस्टॉल हो गया, तो ये बात है ना, ये कॉपी कर लेना यार याद से। पूरा ही कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है पूरा। MySQL पासवर्ड सिर्फ जरूरी है इसमें, ये वो भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला वाला कमांड डालोगे तो ये चलेगा नहीं, ये बहुत प्रॉब्लम है। इसके हिसाब से, इस कमांड से ये अपने आप ही माइग्रेट कर देता। अब चलो मैं इस वाले स्क्रीन में लाके दिखाता हूँ, ये मेरे पास है ज़्यादा। हाँ, इस वाले यहाँ पे मैं यहीं से अपलोड कर दिया। चलो, वो बता दिया था मैंने, इसमें इन्होंने रूट में एक माइग्रेट फोल्डर बनाया, जो पहले वाले 4 स्क्रिप्ट चलाए थे ना, ये चारों, हाँ ये चारों, तो ये इन्होंने 4 स्क्रिप्ट डाउनलोड करे थे इसमें। मतलब वो थोड़ा बता रहा हूँ कि कैसे चलता है ये, और ये आगे काम तो हो ही रहा है, इसके आगे कुछ बचा हो तो मैं, अच्छा इंस्टॉल पे लगा देता हूँ CWP। ये फाइनल मेरे ख्याल से हो गया है, लेट्स चेक। बात कर रहा था मैं, भूल गया, तो चलो चेक करके देखते हैं। ये है, यही वाला है, WHM लॉगिन था। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। सर्टिफिकेट एरर होता है, चलो अभी देखेंगे। और यहाँ पे नहीं देख सकते, अगर आता हो तो मेरे को भी बताना। डोमेन पे मेरे को करने आता है, यहाँ का कुछ अलग ही सीन है। ये होस्ट नेम से रिलेटेड होता है, PTR और RDNS, ये एक पंगा है जो कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, और मैंने देखा बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो अभी रनिंग सर्वर है उसमें भी ये प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें, इससे कोई इशू नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कुछ तो इशू है ही। इट्स नॉट 100% कम्प्लीट। वाओ, दिस हैज बीन सक्सेसफुली माइग्रेटेड। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। मैंने क्या किया था कि secure.htplhost.com, ये मेरा गोडेडी का सर्विस प्रोवाइडर है, इस पर मैंने फोर्स कर दिया था एक ए रिकॉर्ड, सब डोमेन का भी ए रिकॉर्ड। पहले तो डोमेन का ए रिकॉर्ड तो दिया ही था, और सब डोमेन का भी ए रिकॉर्ड मैंने फोर्स कर दिया था, और जिसकी वजह से ये, वाओ दिस वर्क। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप मतलब तुरंत तुरंत चेंज करके चेक नहीं कर सकते हो। और एक टूल है जिसमें रिवर्स पिंग टेस्ट करने की बात करते हैं, जिसमें अब
मैंने कुछ कल बुकमार्क किया था, बहुत सारे होंगे, देखते हैं। होते हैं ऐसे, कुछ था यार नेक्स्ट थिंग। अच्छा, रिवर्स डीएनएस लुकअप था। ओके हाँ, कीवर्ड बहुत, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि हाउ टू गूगल। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत लोगों ने बनाया है। देखो आप, मैं अपने तरीके से बनाऊंगा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। हाँ तो मैंने, चलो इसका ये जो सॉल्व हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी वीडियो में मैं देखा हूँ कि वीडियो लकी रहा, ये पहला वीडियो है मेरा, काफ़ी दिनों बाद पहला वीडियो है। मैंने 3 वीडियो मैंने करे हैं, ऑटोमेटिक गार्डन का, ऑटोमेटिक रूम का, मतलब ऑटोमेटिक। तो आप इन चीज़ों को देखो, वाओ। ये क्या हुआ, समझ नहीं आया मुझे। मेरा इससे ये मतलब है ना कि अगर ये काम कर रहा होगा ना, तो ये मैं लिखूंगा तो ये काम करना चाहिए, CWP खुलना चाहिए मेरा। या फिर मैं ना लिस्ट अकाउंट करता हूँ, ये चल रहा ना। अब चलो इसमें इंपोर्ट कर देते हैं, ये नया नया सर्वर तैयार हो गया। नया नया सॉरी, नया नहीं है तो वही, लेकिन अब इसमें बेसिक सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। बेसिक सेटिंग्स से मेरा मतलब है कि इसमें नेम सर्वर्स चेंज करने पड़ेंगे, इम्पोर्टेंट है। अभी के अभी करो तभी वहाँ से वो प्रोपेगेट होगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया, 40 मिनट होने वाला। हालांकि कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है मैंने। और आईपी मेरी यही होगी क्योंकि मैं इसी सर्वर पे तो रिडायरेक्ट कर रहा हूँ ना, तो इस सर्वर की बाई डिफॉल्ट इसका मतलब होता है सेल्फ आईपी 127.0.1। लोग इसका टी शर्ट बना के पहनते हैं कॉलेज में, देखा मैंने। ठीक है, चलो एक बार ये चेंज हो गया, इसका भी होस्ट नेम चेंज कर देंगे। अपडेट हो गया, इसका होस्ट नेम में प्रॉब्लम है ना। अब लेकिन गूगल वाले में मैंने, अब मैं करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मैंने क्या मैंने किया था। गूगल में हो नहीं पाया, गोडैडी से किया मैंने तो हो गया। देखते हैं, यहाँ पे होस्ट में डाला है हमने secure.hyperplastic.in, यहाँ तो ठीक है, ठीक है। और मेरे को यहाँ भी एक ये रिकॉर्ड डालने के लिए, इसका फायदा ये है कि मैं पैनल खोल पाऊंगा, secure.html host .com। ये इसका, हाँ अब देख रहे हो, और ये एक्चुअली एक सब डोमेन
इसमें भी बनाया हमने। हाँ ये भी बात है, ये भी बताने की बात है, मैं भूल रहा था, सॉरी। ये अकाउंट वाला पैनल है, तो इसमें अगर जाओगे तो इसमें मैंने एक सब डोमेन भी बनाया था, तो मे भी उसकी वजह से भी हो रहा हो तब, क्योंकि ये साइट तो खुल रहा है उसकी वजह से ही। और यहाँ पे सब डोमेन में गया, ये देख रहे हैं आप, एक सब डोमेन भी बनाया था हमने, और होस्ट नेम गोडैडी के अंदर ए रिकॉर्ड भी चेंज किया था, तो मैं इसके बारे में बाद में देखूंगा, अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और चलो वीडियो ख़त्म करते हैं, मैंने आपको बताया कि सी पैनल से सी डब्ल्यू पी कैसे मूव करते हैं, तो ये जो सर्वर आप देख रहे हैं, ये सर्वर अभी आपके सामने डब्ल्यू एच एम था, सी पैनल लाइसेंस सर्वर था, जिसका ऑलरेडी पे कर रखा था हमने, कुछ दिन शायद 3 4 5 दिन और हैं जिसमें ये ख़त्म हो जाएगा, 1 हफ्ता है ये खत्म हो जाएगा, इससे पहले कि खत्म हो जाए मैंने सारा बैकअप लेके किसी और सर्वर पे, जो कि मैंने वल्चर से लिया हूँ, नीचे मैं अपना लिंक भेज दूंगा इसका, तो आप अगर परचेज करना है तो नीचे वाले लिंक से ही करना, वो एफिलिएट होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे को, 1-2 डॉलर मिलेगा उसमें से, और काफ़ी सस्ता है, $10 में आपको ये महीने का बहुत अच्छा सर्वर मिल जाएगा, $5 वाले भी हैं, 5 यूरो वाला है कॉन्टाबो, तो आप अपना देख लो और कॉन्फ़िगरेशन देख लो। कॉन्टाबो बहुत दूर पड़ता है, तो दूर से ये दिक्कत ये होती है कि पिंग बहुत ज़्यादा आता है, तो अगर आप अच्छा उसमें तो अभी नेम सर्वर्स का इशू है, लेकिन अगर नहीं होता तो मैं आपको दिखाता, 300 350 MS तो नॉर्मली आता है यहाँ पे पटना के अंदर, मैं पटना में लोकेटेड हूँ, और अभी सिंगापुर से सर्वर लिया है, तो ये बहुत अच्छा पिंग देता है, और SSL अगर आप जैसा मैंने कहा है वैसा करोगे तो आपको SSL ऐसा मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ, वेबसाइट प्लग करना बहुत ज़रूरी है, हालांकि काम चल रहा है इस पे, और कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बट ठीक है, जो करते हैं वो लिखा है। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ये देख लेना स्मार्ट गार्डन कैसे बनाते हैं रोज अपने आप टाइमली, पानी कैसे पटेगा IoT बेटर से, ज़्यादा कोई सोल्डिंग नहीं करना है कुछ, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लिंक ऐप और ये ऑफ द सेल्फ प्रोडक्ट्स हैं, प्लग एंड प्ले है, देख लेना और इसी चैनल पे और मिल जाएंगे। और चलो ठीक है, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, और भी कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, अभी मैं एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ कि क्या क्या टेक्नोलॉजी से एक्सप्लोर करके बिजनेस को दिया जा सकता है, तो ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।